नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अभी तो ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहे। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 21 अगस्त से 27 अगस्त तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, यह सप्ताह परिजनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह धन का लाभ होगा किंतु खर्च भी होगा। सेहत का ध्यान रखें, इस सप्ताह आप चिंता से भरे रह सकते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आपको मानसिक तनाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको दूसरों पर कोई भी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आवश्यकता है, इसलिए जल्दबाजी में भी कोई कार्य निर्णय लेने से बचें। लोगों को यह समझाने का प्रयास करें और कोई गलत राय ना बनाएं। नौकरी के मामले में समय आपके लिए अनुकूल है और जल्द ही आपको प्रमोशन की खबर मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्र देवता को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी से भी पैसा उधार ना लें। अगर आप सोच समझकर खर्च नहीं करेंगे तो भविष्य में भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपका कोई करीबी मित्र आपको किसी बड़ी बात के लिए दोषी ठहरा सकता है, परंतु जल्द ही समय आपके अनुकूल होने लगेगा। प्रेम प्रसंग के मसलों में लाभ तथा सफलता मिल सकती है। संतान के साथ आपका समय व्यतीत हो सकता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कामकाज को लेकर आलस्य से बचें। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपको किसी ऐसी जगह से धन लाभ हो सकता है जिसकी आपने पहले से उम्मीद नहीं की थी। आप कोई ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। समय आपके पक्ष में रहेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखें कि आप अपना हर काम समय पर करें और कल के लिए कुछ भी ना टाले। सप्ताह का अंत काफी सुखद हो सकता है और आप यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह किसी बात को लेकर आपके मन में डर सा बना रह सकता है। कामकाज के क्षेत्र में स्थिति सामान्य फल देने वाली बनी रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग लाल रहेगा। मिथुन राशि के जातक, इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, इस सप्ताह किसी भी मामले की गहराई तक जाने की कोशिश करें और किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। आने वाला समय आपके पक्ष में होगा, लेकिन आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। आने वाले समय में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं जिनसे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत तक समय आपके अनुकूल हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य उदय का समय है, यह लाभ तथा सफलता दिला सकता है। आपके लिए शुभ अंक 9 होगा और शुभ रंग हरा रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि, यह सप्ताह आपके लिए आराम करने का अनुकूल समय होगा। कई लोगों को किसी विशेष अवसर पर दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपकी बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकट और दूर के लोगों के साथ होगा, जो आपके भविष्य के कार्यों और योजनाओं को निर्धारित करेंगे। इस सप्ताह के दौरान संभावना है कि आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। प्रेम के मामले में समय आपके अनुकूल हो सकता है। आपके लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा रहेगा। आप इस सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, आपका यह सप्ताह सामान्य बीतने वाला है, परंतु आप किसी पर भी भरोसा ना करें, नहीं तो धोखा भी मिल सकता है। आपके परिवार या कार्यस्थल पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। इस सप्ताह शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। भाग्य भी आपके पक्ष में बना रहेगा। इस सप्ताह कामकाज को लेकर स्थिति अच्छी बनी रहेगी तथा कार्यों से संबंधित पुरानी समस्या समाप्त होगी। इस सप्ताह आपकी दैनिक आय में वृद्धि होने की संभावना है। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्र देव को जल अर्पित करके करें।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आप इस सप्ताह आगे बढ़ने के लिए कोई भी गलत रास्ता ना चुनें। अपनी अधूरी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों पर ध्यान दें। भले ही आपको उन्हें साकार करने की कोई इच्छा ना हो, फिर भी आगे बढ़ते रहे और आप कार्यों को ना टाले, काम समय पर पूरा करें। यह सप्ताह आपके लिए दिलचस्प सप्ताह साबित हो सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कामकाज का बोझ अधिक बना रहेगा तथा भाग दौड़ भी अधिक हो सकता है। संतान से सुख तथा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह व्यर्थ के मसलों से अपने आप को दूर रखें तथा सेहत का ध्यान रखें। दैनिक जीवन में लोगों का सहयोग आपको मदद करेगा। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग नारंगी रहेगा। जातक इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भाई बहनों को उपहार देकर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों का इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना है तथा धन का लाभ भी सप्ताह अच्छी मात्रा में हो सकता है। इस सप्ताह व्यापार तथा कमीशन के कार्यों से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस सप्ताह आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह सफलता देने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप अच्छे खान पान का आनंद ले सकते हैं। आलस्य से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पुरानी बातों को नजरअंदाज करें। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग लाल रहेगा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करें। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि, इस सप्ताह आपको अनुकूल आर्थिक परिणाम हासिल करने के मौके मिलेंगे। आपकी योजनाओं और विचारों को विकसित करने में मदद के लिए अतिरिक्त आय मिल सकता है। कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपके अपने दायित्वों की पूर्ति करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपके बैंक बैलेंस से धन का कुछ भाग खर्च भी हो सकता है। यह सप्ताह माता से प्रेम बढ़ेगा तथा घरेलू कार्यों पर समय आप दे सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करके करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह अधिकारी वर्ग की कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी में पद लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह आपके पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी। किसी दूसरे के घर में रहने वाले किसी प्रियजन का स्वास्थ्य की समस्या से संबंधित समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह के दौरान आपको अपने घर या अपनी संपत्ति से संबंधित अपनी योजनाओं और अपेक्षाओं को साकार करने का अवसर मिलेगा। आपका किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो दूसरे शहर या देश में है। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दही शक्कर खाकर करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपको कुछ अप्रिय विवादों का अनुभव हो सकता है। इस सप्ताह आप किसी चिंता या तनाव का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में बदलाव की प्रक्रिया होगी जो धीरे धीरे विकसित होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और प्रियजन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपको अपने घर या अपने संपत्ति से संबंधित अपनी योजनाओं और अपेक्षाओं को साकार करने का अवसर मिलेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। आपके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग काला रहेगा। जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। यह सप्ताह आप किसी महत्वपूर्ण घटना का अनुभव करेंगे। आपको किसी महिला से महत्वपूर्ण समर्थन और सहायता मिल सकती है। सप्ताह के दौरान आपको नौकरी और व्यवसाय में लाभ भी हो सकता है और अचानक धन का लाभ के योग भी बनेंगे। बेहतर मुनाफा कमाने के लिए आपके व्यवसाय में बदलाव भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सप्ताह आपको अच्छे लाभ मिलने के संकेत है। आपके वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती है। सेहत संबंधी परेशानियों में राहत की प्राप्ति भी होगी। आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को गुड़ मिश्रित जल डालकर करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ पर हर हफ्ते बने रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।